नमस्कार, मैं निहाल, एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपसे न्यूज़ रूम में मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए न्यूज़ रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान कल बुधवार को होगा। आज मंगलवार को मतदान कर्मचारियों को मतदान सामग्री को वितरण किया जा रहा है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है और इस बार महापौर प्रत्याशी का मतपत्र सफ़ेद और पार्षद प्रत्याशियों का मतपत्र गुलाबी रंग का होगा। कल सोमवार को शाम 5 बजे से प्रचार अभियान थम गया है। प्रत्याशी आज डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश के 11 नगर निगमों के लिए खास तैयारी की गई है। 133 निकायों में सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। प्रदेश भर में करीब 1,52,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही मतदान होने वाले क्षेत्रों में शासन ने कल सरकारी अवकाश घोषित किया है। आपको बता दें, वोटिंग के लिए कुल 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और ईवीएम में महापौर के लिए सफ़ेद और पार्षद के लिए गुलाबी रंग, तो वहीं नगर पालिका परिषद के लिए पीला और नगर परिषद पार्षद के लिए नीले रंग का मतपत्र लगाया गया है। बात करें अगली खबर की, जहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने G20 देशों की इंदौर और भोपाल में संभावित बैठकों के लिए मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस को अध्यक्षता में अवभगत आवास और सुरक्षा कमेटी का गठन किया है। उल्लेखनीय है कि दुनिया में विकासशील और विकसित देशों के संगठन में G20 की बैठक अगले वर्ष भारत में होगी और इस सिलसिले में 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवम्बर 2023 तक पूरे देश में 190 बैठकें होने वाली है। इस अवधि में इंदौर और भोपाल में भी यह बैठकें होंगी। इन बैठकों में क्या विषय होंगे और कौन कौन शामिल होगा, सरकार इसकी जानकारी अतिथियों के यात्रा संबंधी अनुमोदन मिलने के बाद देगी। मुख्य सचिव के साथ इस समिति में ACS सामान्य प्रशासन, ACS गृह, प्रमुख सचिव उद्योग और CEO अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल होंगे। बात करें अगली खबर की, जहां अगली बार आप जब महीने का किराना सामान लेने के लिए किसी दुकान या हाइपर स्टोर पर जाएंगे तो गेहूं, चावल, दाल समेत दूसरे फूड ग्रेन 5 से 12% तक महंगे मिलेंगे। इस बार दाम बढ़ने के कारण मांग बढ़ना और आपूर्ति घटना नहीं बल्कि GST काउंसलिंग का एक फैसला है। 23 जून की हुई बैठक के बाद काउंसलिंग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि गैर ब्रांडेड वे फूड ग्रेन जिनके पैक पर भार, कीमत और दुकानदार और हाइपर मार्केट का ब्रांड अंकित होता है, वे टैक्स के दायरे में आएंगे और कितना टैक्स होगा उसका फैसला 28 जून को किया जाएगा। ब्रांडेड फूड ग्रेन पर पहले से ही 5% टैक्स लग रहा है। अब ग्राहक पहले से ही पैक करके बेचे गए फूड ग्रेन पर टैक्स लगाया गया है। माना जा रहा है कि कुछ आइटम्स 5% और कुछ आइटम्स 12% GST के साथ मिलेंगे और इस तरह के गैर ब्रांडेड फूड आइटम्स और फूड ग्रेन GST के दायरे से बाहर हो जाएंगे। काउंसलिंग छूट का दायरा सीमित करना चाहती है। अब ऐसे भी प्री पैक्ड फूड आइटम और फूड ग्रेन GST के दायरे में आ जाएंगे जो भारतीय नापतोल अधिनियम के तहत पैक किए जाते हैं। हालांकि 25 किलो और 25 लीटर फूड ग्रेन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिसमें बेचने वाले दुकानदार अपने ब्रांड का नाम त्याग देते हैं और वह ग्राहक के बजाय संस्थाओं, विभागों और उद्योगों को बेचे जाते हैं। तकनीकी भाषा में इसे बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई कहते हैं। बात करें अगली खबर की, जहां पर मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को 3 महीने बाद एक बार फिर महंगाई का करंट लगा है। बिजली वितरण कंपनियों की डिमांड पर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग FCA ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट ने 10 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 6 पैसे की बजाय 16 पैसे FCA देना होगा। यदि आप महीने में 200 यूनिट बिजली जलाते हैं तो जून की अपेक्षा जुलाई में 22 रुपये अधिक देना होंगे। ये दर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए है। हालांकि 100 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को फिलहाल 100 रुपये ही देना होंगे, क्योंकि इसकी भरपाई सरकार बिजली कंपनियों को सब्सिडी देकर करेगी। बात करें अगली खबर की, जहाँ साल भर पहले कंपनियां -17 पैसे फ्यूल कॉस्ट कर रही थी, अब ये 16 पैसे प्रति यूनिट है। बिजली कंपनियों ने इस साल अप्रैल में भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी की थी और बिजली की कीमतों में औसतन 2.64% की बढ़ोतरी की गई थी। इसमें घरेलू बिजली के दरों में 3 से 4% की बढ़ोतरी हुई थी। बात करेंगे अगली खबर की, जहाँ पर मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रदेश में सोमवार सुबह से ही शुरू हुई बारिश मंगलवार तड़के तक चलती रही। विभाग ने राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में अति बारिश की संभावना भी जताई गई है। भोपाल समेत जिलों में कुछ घंटों में ही की बारिश नहीं, मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। कई जिलों में रात भर रुक रुक कर बारिश सुबह तक होती रही और सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, चंबल, ग्वालियर संभाग के रहवासियों को अतिरिक्त सावधान
सावधान रहने की जरूरत बताई गई है क्योंकि मौसम विभाग ने इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है और साथ ही गरज चमक के साथ बारिश होने का दौर भी जारी रहेगा, ऐसा भी उनका अनुमान है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।